नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न 2 हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बच्चों सबसे पहले आप देखें कि चतुर्थांश होता क्या है। देखिए मैं आपको एक चित्र के द्वारा, एक आकृति के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। यह एक वृत्त है और चतुर्थांश का मतलब इसके चार बराबर हिस्से। यदि यह इसका केंद्र है तो इस प्रकार से ये इस वृत्त के चार अंश हो गए, चार बराबर अंश हो गए, और इसमें से एक हिस्सा कहलाएगा इसका चतुर्थांश यानी कि चौथा हिस्सा, चतुर्थ अंश, चौथा हिस्सा। ठीक है बच्चों, तो यह पूरे वृत्त का यह जो है यह एक चतुर्थांश है। और यदि आप ध्यान से देखें तो यह क्या बन गया, यदि यह केंद्र ओ है तो यह एक त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या से यह एक त्रिज्याखंड बन गया है जिसमें कि बीच वाला जो कोण होगा 90 डिग्री होगा। बच्चों ये 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। पता है ना आपको, बीच में टोटल एंगल होता है 360, उसके चार बराबर हिस्से कर दिए यानी 360 को चार से भाग कर दिया तो हमें मिल गया 90। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ये जो कोण होगा यह 90 डिग्री होगा। तो यही बात हम यहां लिख लेते हैं, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, और इसमें जो त्रिज्या है हमें अभी नहीं पता, हमें परिधि पता है। तो देखिए वृत्त की परिधि, हमें दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, यह बराबर है 22 सेंटीमीटर के। तो देखिए इसे हम हल करते हैं, 2 गुना पाई की वैल्यू होती है 22 बटा 7 गुना आर बराबर 22 सेंटीमीटर। यहां से आर किसके बराबर होगा, 22 सेंटीमीटर यहां पहले से है, 7 यहां आर के साथ भाग हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा गुना, बराबर के उधर जाके हो जाएगा गुना। 2 और 22 आर के साथ गुना हो रहे हैं, ये बराबर के उधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे भाग। आइए हम इसे हल करते हैं, देखिए 22 से 22 कट जाएगा, इसका मतलब आर कितना आ गया, 7 बटा 2 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या आ गई है 7 बटा 2 सेंटीमीटर। और हमें बच्चों क्या निकालना है, इस एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बच्चों आपने ये नहीं सोचना कि चतुर्थांश तो हमें समझ नहीं आया, चतुर्थांश का मतलब क्या है, चौथा अंश, यानी कि यह एक तरह का परिधि, सॉरी त्रिज्याखंड बन गया है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वह है थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। आइए इसे हल करते हैं, देखिए थीटा कितना है, 90 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई, पाई होता है 22 बटा 7 गुना आर स्क्वायर, आर कितना है 7 बटा 2, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 7 बटा 2 गुना 7 बटा 2, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब हमें इसको हल करना है और इसको हल करने से हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। देखिए बच्चों, शून्य से शून्य कट जाएगा, 9 से 36 कट जाएगा, 9 चौके 36, ठीक है बच्चों, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 22, 11, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास आ गया, देखिए ऊपर 90 कट गया है, 11 गुना 7 कट चुका है, ये रह गया 7, 11 गुना 7, 11 गुना 7 कितना होता है बच्चों, 77, 11 गुना 7 होता है 77 बटा, नीचे है 4 गुना 2, 4 दुनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यदि आप चाहें तो इसे आगे दशमलव में हल कर सकते हैं, वरना यहीं पर छोड़ सकते हैं। दशमलव में करना हो तो देखिए 8 नए 72, 77 में से 72 के 5, 5 और 0 50, 8 6 48, 2 0 20,
8 × 2 = 16, 4 × 0 = 40, 8 × 5 = 40। तो ये आ गया 9.625 cm². ठीक है बच्चों, तो हम अंत में लिख देंगे, हमें बोला गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो हम लिख देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, या तो हम ये भी लिख सकते हैं 70.8 × 8 cm², या 9.625 cm², ये दोनों ही उत्तर ठीक हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। तो बच्चों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप बाकी प्रश्नों के वीडियो देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।